तो मैं केपीओ के सामने जो है वो मौजूद हूं और आप अभी भी मुसलसल यहां पर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, पुलिस जराए हमें इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि कोई 4 से 5 दहशतगर्द जो है वो एक सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए हैं और ये गाड़ी उन्होंने जो है वो पुलिस लाइन के करीब पार्क की है और उसके बाद उसमें से उतरे हैं, वहां पर फायरिंग करते हुए केपीओ के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। जो सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने निहायत बहादुरी से जो है वो उनको रिस्पॉन्ड किया है। अभी भी जो पुलिस जराए से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मुसलसल जो है वो गोलियां चल रही हैं, कि सेकंड फ्लोर है वहां पर जो है वो इस वक्त दहशतगर्द पहुंचे हैं, कोई 2 दहशतगर्द जो है वो पुलिस अफसरान का ये कहना है कि वो मारे भी गए मुकाबले में, कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर एक बड़े धमाके की आवाज जो है वो इस वक्त यहां पर आई है, बड़े धमाके की आवाज आई है इस वक्त यहां पर और बहुत तकरीबन जो है वो हम ये कोई 8 से 9 बड़े धमाकों की जो है वो इस वक्त आवाज़ें सुन चुके हैं केपीओ में। हमें मुसलसल ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसरान की जानिब से भी कि बैठ जाएं, उसकी वजह ये है कि दूर भी हैं हम थोड़ा, लेकिन ये कि उसके कि कोई चीज़ जो है वो आपको निशाना ना बनाए। तो ये मुसलसल जो है वो इस वक्त फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा धमाके भी हो रहे हैं। जी अहमद रहमान खान, अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जहां से वो हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि मुसलसल यहां पर गोलियां चल रही हैं। 2 दहशतगर्दों के बारे में ये इत्तलात हैं पुलिस की जानिब से, पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। और ये भी बता रहे थे अहमद रहमान खान जब वो हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, जैसे ही वो रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें एक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी थी और वो ये कह रहे थे कि मुसलसल इन धमाकों की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। लेकिन ये भी ख़बर है